सो हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग, कैसे आप सभी लोग, आज हम आए हैं। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं हमारा एक नया वीडियो को लेकर। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक पोकी कलेक्शन का वीडियो लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स ने बना के रखा है, बट स्टिल मतलब उन लोगों ने ठीक से समझाया नहीं वगैरह। अबे साले, यही नहीं अभी और सुनिए, बिकॉज कुछ लोगों के तो वॉइस नहीं है, मतलब वॉइस ना देकर बस चैट वगैरह कर समझा देते हैं। बट आज मैं आया हूँ वॉइस के साथ एंड आपको समझाने वाला हूँ हमारा सबसे मस्त एक अच्छा वाला पोकी कलेक्शन का वीडियो। अरे तू जा रही लग गए। तो गाइस, हमारे पास गोल्ड भी है अभी, तो हमने गोल्ड इकट्ठा किया था पोकी कलेक्शन के लिए थोड़ा सा। हम लोग अभी समझाने वाले हैं, बस इसमें से कुछ अच्छा निकल जाए तो मस्त रहेगा। लेट्स सी क्या निकलता है। राय हॉर्न, ओके, टट्टी निकला। ये तो टट्टी है निकला। कोई नहीं भाई, छाती में दर्द होता है। तो गाइस, मैं पोकी कलेक्शन के लिए अगर टिप्स एंड ट्रिक्स बना रहा हूँ तो मतलब कुछ तो हटका ही करूँगा ना। तो गाइस, मैं पहले बताना चाहूँगा, पहले पहले आप लोग उस 6 पोकेमोन की गोल्ड करो, गोल्डन करो, एंड गोल्ड के सिवा कुछ भी मत करो गाइस। मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली ये लेजेंडरी का इंटरमीडिएट 2 करो, एंड जूनियर मत करना कभी भी, ये गलती होगी बहुत बड़ी। क्योंकि अगर तुम जूनियर करते हो तो तुम बाद में तो मतलब उसको अपग्रेड करोगे ना, तो मतलब अभी तुम जूनियर कर रहे हो, बाद में तुम उसको इंटरमीडिएट करोगे तो उसका लेवल वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा पावर बढ़ जाएगा। बट तुमने जो पहली बार जूनियर पे गोल्ड इस्तेमाल किया था वो तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। डायरेक्टली लेजेंडरी पोकेमोन का ये इंटरमीडिएट वाला सेक्शन करना, एंड ऑल्सो तुम सबको वही पोकेमोन को अपग्रेड करना है, मतलब गोल्डन वगैरह करना है, जिन पोकेमोन को तुम यूज़ करते हो या फिर तुम्हारे बैग्स में है, ठीक है। उन पोकेमोन्स को तुमको पहले पहले गोल्डन करना होगा। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे कुछ ही पोकेमोन बस गोल्डन में है, क्योंकि वो पोकेमोन्स मेरे पास है तो मैंने रखा है उसलिए उनको गोल्डन में। इससे क्या होगा, उनका सीआर एंड वगैरह कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरा जो अटैक डैमेज होगा वो 12% इंक्रीज़ हो जाएगा, डिफेंस भी 12.5% एंड एचपी भी 12.5% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे करते तुम्हारा मतलब ये चीज़ें बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ें मतलब करते जाओ। एंड मैं बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेजेंडरी में कुछ ज़्यादा गोल्ड लगता है, करीब से करीब 1500 के गोल्ड लगता है तुम्हारा गोल्डन करने के लिए। बट गाइस, अगर तुम लोग डायरेक्टली विदाउट मतलब समझ लो तुम लोग पहली बार ये कर रहे हो, ठीक है, इसको नॉर्मल पोकेमोन में इंटरमीडिएट कर रहे हो, फिर एलाइट में कर रहे हो, एंड फिर तुम लोग रेयर में कर रहे हो, फिर ट्रेजर पोकेमोन में कर रहे हो, फिर जाके गोल्ड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा गोल्ड स्पेंड होगा ना। तो एक बार करो, एक बार में ही परफेक्ट गोल्डन कर दो, बस हो जाएगा गाइस। इससे तुम्हारा अच्छा वाला सीआर इंक्रीज़ होता है, बट मतलब समझ लो ये एकदम नॉर्मल है, एंड उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो है नहीं, बट उतना ज़्यादा मतलब बुरा भी नहीं है। तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो सीआर वगैरह अपग्रेड करने के लिए, तो अच्छा है। एंड किसी ने तो यही था थोड़ा सा पोकी कलेक्शन का, एंड पोकी कलेक्शन का तो मैंने बता ही दिया कि तुम सबको कुछ नहीं करना, जो 6 पोकेमोन पहले पहले तुम यूज़ करते हो अपने टीम के लिए, उन पोकेमोन का पहले गोल्डन करो, फिर जाके बाकी SSR के करो गोल्डन। एंड जब तुम्हारे सारे SSR पोकेमोन हो जाएंगे, फिर जाके कहीं नॉर्मल मतलब SR के पोकेमोन को अपग्रेड कर देना, फिर जाके नॉर्मल जो पिकाचू वगैरह है उनको करना, नहीं तो उनको अगर पहले पहले करोगे तो उनका CR बढ़ेगा, एंड उनको तो तुम मतलब यूज़ करोगे नहीं, एंड वो तुम्हारा ओवरऑल जो स्पीड मतलब स्पीड नहीं बोलूँगा, ओवरऑल जितना तुम्हारा CR होता है वो भी इंक्रीज़ नहीं करता, ठीक है, तो तुम्हारा चूटिया काटेगा ना, क्योंकि वो तो तुम्हारा ओवरऑल इंक्रीज़ ही नहीं करेगा, तुम्हारा मेन टीम में जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो मेन टीम में जो रहेंगे उनको इंक्रीज़ करो पहले पहले, तो वो अच्छा इफेक्ट करेगा तुम्हारे टीम के लिए,
ऊपर से कभी कभी इफेक्ट्स वगैरह पे भी वो अच्छा मतलब पावर दे देता है। मतलब समझ लो तुम्हारा किसी पोकेमोन का, जैसे कि समझ लो कि हमारा नया जो पोकेमोन आया है जैक्रोम, उसका मेन इफेक्ट है जो कि है डार्कनेस, एंड वो डार्कनेस इफेक्ट जब लगता है तब वीकनेस हो जाता है जो जिस पोकेमोन पे लगता है। एंड कोई भी अगर पोकेमोन तुम्हारे जो टीम में रहेगा अलग, जैसे कि मेगा रेकोजा पकड़ लो या लुगिया पकड़ लो, वो लोग अगर उस पोकेमोन पे डैमेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा बिकॉज ऑफ द वीकनेस, ठीक है। तो ये अच्छा काम करता है उस पे भी। एंड किसी ने और मांगा था सोल गार्ड पे, तो आज पोकी कलेक्शन एंड सोल गार्ड दोनों एक साथ हो रहा है, मस्त वाला। एंड गाइज आई प्रेफर यू गाइज नेवर एवर स्पेंट गोल्ड और एलॉय इनटू दिस सोल गार्ड, बिकॉज ये टोटली वेस्टेज ऑफ गोल्ड है। मैं बता रहा हूँ बिकॉज क्यों, मैं बताता हूँ। जब तुम लोग ऑरेंज पे पहुंच जाओगे एंड जब तुम्हारा ये वेपन्स वगैरह मतलब अनलॉक होगा, ऑरेंज टू करना पड़ेगा, तब तुम्हारा कम से कम करीब से करीब 5000K गोल्ड लगेगा हर एक अपग्रेड के लिए। हर एक अपग्रेड के लिए तुम्हें 5000K, ठीक है, 5000K तुम्हें गोल्ड लगेगा। तो समझ ही सकते हो भाई कितना ज़्यादा गोल्ड तुम्हारा खर्चा होने वाला है इसमें। तो गाइस थोड़ा सा मतलब ध्यान से खरीद लिया करो, क्योंकि अगर भाई कटेगा तो तुम्हारा ही कटेगा ना, एंड तुम्हारा कटेगा तो सब में बटेगा, समझ रहे हो। तो गाइस थोड़ा सा इसको होशियारी से खेल लिया करो, इससे तुम्हारा भी फायदा है भाई, मैं तुम्हारा फायदा ही देख के चलूंगा ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो सोल गार्ड कभी भी अपग्रेड मत किया कर, मैं बताऊंगा तो यही भाई, सोल गार्ड इज टट्टी ब्रो, इज टोटली वेस्टेज। एंड आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर उसको तब कर सकते हैं जब मतलब समझ लो तुम्हारे पास गोल्ड की कोई कमी नहीं है, तुम्हारा सारे पोकेमोन्स अपग्रेडेड है बहुत मस्त वाले, तो मतलब तुम उस वक्त कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी गोल्ड है, सब पोकेमोन्स है, तो कोई मतलब फिक्र नहीं। तुम डायमंड्स वगैरह फूकते हो या फिर VIP खरीदते हो तो भाई कर लो, उस वक्त तो मैं मना नहीं करूँगा, तो कर सकते हो। एंड ओ भाई रेडाई ने ऑलरेडी ले लिया रैंकिंग, वाह मस्त यार, यही चीज़ की तो कमी थी। वाह अच्छा वाला गोल्ड, इधर से पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। गाइस ये चैलेंजेस भी लीग असम्बल्ड के कर लिया करो, क्योंकि लीग असम्बल्ड में बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाता है। एंड इसमें गोल्ड भी मिल सकता है या फिर एंड ज़्यादातर पोकेमोन मतलब एक लड़के ने तो ये भी बोला था कि कौन सा पोकेमोन के लिए कौन सा जेम अच्छा है, तो ब्रो बहुत पोकेमोन्स है एंड बहुत सारे मतलब जेम है, तो मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा, तुम्हें मैं डिटेल दे देता हूँ आज ही के वीडियो में। तीन एक साथ वीडियो मतलब कंबाइन होके एक बन रहा है समझ लो। तो तुम्हारा सबसे ऑलवेज अगर तुम चार ये जिम देख रहे हो जो है, एक स्पीड जिम, स्किल जिम, रेज जिम एंड एक है किल जिम, ठीक है। तो गाइज इनमें से मैं प्रेफर पहले करूँगा स्पीड जिम, देन किल जिम एंड देन रेज जिम, एंड देन जाकर कहीं ना कहीं स्किल जिम तुम ले सकते हो। एंड रेज जिम क्यों मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद, तुम्हारा स्पीड जिम तुम एक लगाओगे एंड हर एक जिम में मैं बताऊँगा, तुम जैसे कि अभी समझ लो किल जिम यूज़ कर रहे हो, तो किल जिम में एज ऑलवेज तुम हर टाइम किल जिम में बोनस जिम ज़रूर लेना। बोनस जिम कौन सा है मैं दिखाता हूँ, मेरे जिम में है तो ये रहा गाइस, देख सकते हो यहाँ पर बोनस जेम ऑफ किल है, ठीक है। तो ये बोनस जेम ऑलवेज ले लेना, क्योंकि बोनस जेम सबसे ज़्यादा तुम्हारा डैमेज इंक्रीज करता है, ठीक है। ऊपर से सीक्रेट जित्सू भी इस पर लग जाएगा तो और ज़्यादा डैमेज इंक्रीज होगा, तो किल जेम पे ऑलवेज बोनस जेम ऑफ किल लेना होगा तुम्हें। एंड तुम्हें बोनस मतलब स्पीड जेम के लिए तुम्हें क्रिटिक जेम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्रिटिक जेम ऑफ स्पीड ये लेना, ठीक है। मैंने किल लिया है, थोड़ा सा गलती हो गई थी उस बार, ये जैसा कि ये स्किल मतलब देख सकते हो ये जेम क्रिटिक डैमेज जेम ऑफ स्पीड, ठीक है, तो ये लेना पड़ेगा तुम्हें। एंड रेज जेम तुम बोनस जेम ही लेना, ठीक है, जैसा कि ये वाला ये स्किल जेम है बाय द वे, बट तुम्हें लेना है बोनस जेम ऑफ रेज, ठीक है। एंड ये जेम वगैरह मतलब बोनस जेम ऑफ मतलब ये स्पीड या फिर
स्किल ये तुम सबको कहाँ से मिल सकता है ये भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर तुम डायमंड्स एक साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो मतलब स्पेंड करते हो तुम्हें यहाँ से मिल सकता है 40,000 डायमंड स्पेंड करने के बाद तुम्हें एक स्पीड जेम मिल सकता है एंड ऑल्सो 5 गोल्डन सेलेक्शन बॉक्स भी। एंड ऑल्सो तुम लीग असेंबल्ड में से भी टास्क वगैरह कर करके मतलब निकाल सकते हो। एंड अगर तुम समझ लो कि तुम्हारा 120 नहीं हुआ इस बार बस 115 ही हुआ है ठीक है 5 के लिए तुम रह गए एंड तुम्हारा इवेंट ख़त्म हो चुका है ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम वेट करो नेक्स्ट इवेंट के लिए मतलब जब नेक्स्ट टाइम ये लीग असेंबल्ड फिर से आएगा तो उसके लिए वेट करो स्पेंड मत करना सिल्वर वाला ये कॉइन जब तक तुम्हारे 120 ना हो जाए ठीक है। एंड तुम्हारा वो गायब नहीं होगा सिल्वर मतलब अगर तुम मतलब इसमें ये चीज़ देख सकते हो ठीक है ये वाला एक सिल्वर है टोकन एंड दूसरा होता है स्पेंडिंग का टोकन ठीक है। एक होता है मतलब तुम इसको स्पेंड कर रहे हो एंड वो टोकन में बदल रहा है ठीक है तो वो टोकन तुम्हारा गायब हो जाता है जो स्पेंड कर रहे हो इस मतलब इसको पाने के लिए जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिल्वर चीज़ें हैं तो इसके लिए तुम्हें चाहिए ठीक है। एंड बाकी तुम समझ लो यहाँ से तुम बहुत सारे ही निकाल सकते हो एंड अब तक मैंने बहुत ज़्यादा ही निकाला इसमें से कम आई डोंट नो ब्रो बट बहुत ज़्यादा निकाला है मैंने आई थिंक सो। एंड अभी बहुत ग्राइंडिंग चल रही है अभी तक तो देख रहा हूँ मैं कोशिश जारी है आप उनकी अभी बस देखता हूँ कुछ अपग्रेड्स वगैरह अगर कर पाऊँ एंड सीआर वगैरह बढ़ा पाया एंड आई थिंक मेरा सीआर आप फिर से देख के चौंक गए होंगे बिकॉज सीआर फिर से बढ़ गई आई नो बट गाइस मैं सीआर हमेशा ही बढ़ाता रहता हूँ कैसे बिकॉज ऑफ मैं टैलेंट में थोड़ा सा मतलब स्पेंड करता हूँ टैलेंट पॉइंट से निकल जाता है फिर ट्रेजर वगैरह से हमेशा मेरा ही ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करके इंक्रीज़ हो जाता है पर डे कम से कम मेरा 10,000 या 12,000 अराउंड कुछ इंक्रीज़ हो जाता है सीआर कभी कभी। एंड ऑल्सो कल मैंने थोड़ा सा एक चीज़ एंड गाइस एक टिप देना चाहूँगा थोड़ा सा अगर आपको गोल्ड इकट्ठा करना है मुझे अभी याद आया अपग्रेड के लिए गाइस आप लोग जितने भी लोग मतलब अपग्रेड वगैरह करते हो ये वेपन्स वगैरह तब आप लोग क्या करते हो क्विक अपग्रेड करके ओके दे देते हो ठीक है बट नहीं ये कभी मत करना बीच वाला क्विक अपग्रेड जो होता है उसको करना क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ये क्विक अपग्रेड किया तो आप लोग देख सकते हो उस टाइम ये मांग रहा था ये गोल्ड मतलब 344,000 ठीक है 344,000 अराउंड मांग रहा था बट मैंने जब मतलब अब भी देख सकते हो 300,000 अराउंड मांग रहा है ना क्विक अपग्रेड में अभी मैं नॉर्मल बीच वाला अगर क्विक अपग्रेड करूँगा ना तो देखना अभी कंप्लीट हो जाएगा वही 5 लेवल भाई कंप्लीट होगा बस कुछ ही नहीं लगेगा भाई देख लो ये देखो बस हो गया है बस थोड़ा सा गाइस थोड़ा सा बच गया है एंड कितना मांग रहा था कम से कम 34 मांग रहा था एंड मेरे में बस 26 ही था एंड 26 में ही मैंने निपटा दिया तो समझ ही सकते हो गाइस ये बहुत मस्त वाला एक छोटा सा टिप है तो इससे आपका गोल्ड ज़्यादा सा ज़्यादा बच सकता है अगर आप ठीक से मतलब ये चीज़ फॉलो करते हो। एंड गाइस आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं एंड कुछ लोगों ने मैंने देखा था लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि गाइस हमको म्यूज़िक वीडियो चाहिए तो और कमेंट करते जाओ क्योंकि 100 कमेंट्स पे ही हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है गाइस कॉपीराइट क्लेम आ भी सकता है या ना भी आ सकता है थोड़ा सा मतलब रह ही जाता है ना थोड़ा सा डर तो हाँ उसके लिए भी थोड़ा सा डर रहा हूँ बट फिर भी आप लोग अगर चाहते हो तो भाई आपके लिए भाई कुछ भी। एंड आई थिंक मैंने गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है एंड ऑलरेडी मैंने उसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर दिया बाकी है बस आप सबकी सपोर्ट की आप लोग जितना सपोर्ट दिखाएंगे उतना ही डिपेंड करता है कि मैं कितनी जल्दी अपलोड करूँगा एंड लेट्स सी क्या होता है अभी के लिए तो मस्त चल रहा है एंड अभी थोड़ा सा और स्पेंड करना पड़ेगा लगता है भैया अरे मैया ये तो बवासीर है अरे ये रह गया ये एक और ओके ये हो गया ये आपका इंतज़ार है तो ये वाला भी हो गया था ये वाला भी है ये वाला बाकी है तो 3 हाँ हो जाएगा। अबे यार ये
यार डाटा का कुछ अलग ही सियापा चल रहा है अभी के लिए तो। हाँ तो हो गया है मिस्ट्री स्टोर अनलॉक, ओके वेरी नाइस। लाइनअप में चलते हैं एंड जो चीज़ अपग्रेड करनी थी वो पहले निपटा लेते हैं, जैसा कि ये अपग्रेड हो गया। हाँ हो गया, वेरी नाइस। एंड अभी ये, अरे नाइस, ये ख़त्म हो गए भाई, गजब चीज़ है यार ये तो। ओके पोकी लॉर्ड अपग्रेड कर रहा है तो पोकी, ओ डार्क म्यूटू, नाइस पोकी लॉर्ड, गुड जॉब, तुम अच्छे ग्रो कर रहे हो। एंड हमारे सर्वर में अगर आप सबको खेलना है तो गाइज आप लोग हमारे सर्वर में आ सकते हो, हमारे सर्वर में है हमारा गेमिंग ड्यूड्स। एंड आप लोग कौन नहीं चाहते यार गेमिंग ड्यूड्स के साथ खेलने के लिए, तो भाई आ जाओ यार गेम, कभी साथ में खेलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हाँ ज्वाइन कर लेगा, सर्वर का नाम है 256, तो ज्वाइन करो भाई, क्या देरी कर रहे हो। एंड ज्वाइन करने के बाद ऑब्वियसली आप सबको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, 40 लेवल 45 लेवल करना है, फिर ज्वाइन आवर गिल्ड। गिल्ड नेम इज़ TRX एंड TRX में अभी बहुत हलचल मच रही है। एंड हम जब सर्वर मर्ज हुआ था तो हमारा रैंकिंग थोड़ा सा कम हो गया था, 3 हो गया था, बट वी हैव टू कैच अप अगेन एंड हम लोग फिर से नंबर 1 पे आ गए हैं एज एक्सपेक्टेड गाइस। एंड अभी तो बस मस्त सभी चल रहा है, देखते हैं इधर से क्या मिल रहा है। कुछ अच्छा दियो भाई, बेइज्जती मत कराइयो। ओके 24 डायमंड्स, नॉट बैड। एंड और क्या कर सकते हैं हम लोग इस बार, इस बार मैं डायमंड स्पेंड नहीं करने वाला। मैंने थोड़ा सा एक चीज़ सोचा है कि इस बार जब ग्रुप परचेज वगैरह मतलब आएगा तब मैं एक साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाला हूँ, उसमें मज़ा आएगा। लेट्स सी कितना मज़ा आता है अभी के लिए तो। 5-5 करके थोड़ा सा डायमंड खर्चा होगा, बट इट्स ओके, नो नेवर माइंड। हाँ ओके तो गाइस हम आज के लिए बस वीडियो इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ओके। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।